नमस्कार, मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि जब भी आपको कहते हैं तो आप लोग हमारा बात रखने के लिए, जम्मू के लोगों के सहयोग के लिए आप लोग आते हो। आज मेरा इस पत्रकार वार्ता का मकसद था कि जम्मू शहर के लोगों में कभी कभी पैनिक हो जाती है, डेंगू जो अमूमन सितंबर और अक्टूबर महीने में आता है बरसात होने के बाद, तो लोगों को डर रहता है और कुछ केसेस भी आते हैं। लेकिन जहां तक हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रोल है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर बार सजग रहती है और मलेरिया और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके डेंगू को कंट्रोल करने की पूरी प्रयास करती है। और इस बार भी पूरा हमने उनके साथ सहयोग करके 30 के लगभग लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ लगा के उनको चेक करना, वहाँ देखना कि कहीं किसी घर में पानी जमा नहीं हो, कुछ ऐसे प्रिकॉशन जो हैं बहुत सही ढंग से लिए जाएं ताकि ये बीमारी हो ही ना किसी को। तो उसके लिए मैं जम्मू शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस बार इनके प्रयास से, मेहनत से, सभी लोगों से उतना प्रकोप नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास शुरू आता है, 2 महीने पड़े हैं, इसका खतरा भी है। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसको हम रोक सकते हैं, जो को बाहर की बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है, ये घर में ही जो पानी जमा होता है, जो मुझे बताया गया घर में पानी जमा होता है, चाहे फ्रिज की ट्रे लगा लो, गमलों में लगा लो, चाहे कूलर में लगा लें, वो पानी जो साफ पानी होता है उसमें ये पैदा होता है और दिन को ही ये काटता है, और दिन को ही काटता है, रात को नहीं काटता। तो उसको लोगों ने इस बात का ध्यान रखें, सहयोग करें ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े, हम कंट्रोल कर पाएँ। मैंने बाहर का भी देखा, बाहर स्टेटों में वो कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो दिल्ली में जब मैंने देखा तो उन्होंने बताया दिल्ली वाले भी घर घर जाते हैं, वो देखते हैं कि कहीं लार्वा तो नहीं है, पानी स्टैग्नेंट तो नहीं है। तो उस कॉरपोरेशन ने ये रखा हुआ कि जिसके घर में पानी जमा है उसको फाइन भी करते हैं, लार्वा मिल जाए तो। क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं, लोगों से सहयोग मांगते हैं कि आप प्रिकॉशन से ही ढंग से लें ताकि ऐसी नौबत ही ना आए, पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करें, हम जो निक्कर बनियान वैसे पहनते हैं उसकी प्रॉब्लम ना आए। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे हेल्थ अफसर डॉक्टर विनोद जी जो हैं इस काम को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरी तरफ से देख रहे हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि पूरा ब्रीफ करें ताकि आपके माध्यम से जम्मू शहर के लोगों को हम ये जानकारी दे सकें, आने वाली जो मुसीबत है वो हमारे ऊपर ना पड़े, उसका इलाज हो सके, इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया था, धन्यवाद। टाइम टू टाइम सर हम ये बात मीडिया में लोगों को बताते रहते हैं, काफ़ी आई थिंक 15-20 से ज़्यादा इंटरव्यूज मैंने खुद दे चुका हूँ कि डेंगू के जो बाइट्स हैं, डेंगू के जो इन्फेक्शन है, जो कभी कभी जो है बहुत बड़ा गंभीर हो जाता है और कभी हम किसी की लाइफ को अनफॉर्चुनेटली लूज कर देते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? सर ने आई थिंक सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि मेन कारण जो है वो घर की अपनी ही सैनिटेशन है। जैसे दिवाली पे हम लोग अपने घरों की सफाई करते थे कि सारा सामान जो है उठा के हम बाहर धूप में रखते थे और घर की सफेदी करते थे, वाइट वॉश करते थे, अगर इसी तरह की सफाई जो है हम लोग जो है एक बार साल में करें, डेंगू के बरसात के मौसम के बीच में या बरसात के ठीक जब मौसम ख़त्म होता है तो डेंगू का जो वायरस जो है वो ग्रो कर जाता है, लेकिन हमें उसके लार्वा पे इसको अटैक करना पड़ेगा। जो लार्वा की जो फैक्ट्रीज हैं वो हमारे घर में ही कहीं ग्रो कर रही हैं। सारी बातें सर ने बता दी हैं कि हमारे जो फ्लावर पार्ट्स हैं उनमें होंगी, जो हमारी फ्रिज की ट्रेस होंगी, हमारे छत के ऊपर जो टैंक्स होती होंगी उनके जो ढक्कन होते हैं देखा हुआ आपने खुले होंगे, दुकानों पे टायर्स बहुत अच्छा मीडियम माना जाता है डेंगू लार्वा के लिए, तो टायरों को हमें देखना होगा, उनको साफ़ करना होगा, उनको साफ़ करना होगा। जो दुकानदार जो है उनको साफ़ नहीं रखते, हम दुकान पे जाते हैं, उनको चालान करते हैं, और दुकानदारों को पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बोलते हैं कि टायरों को अच्छी तरह से कपड़े से लपेट के रखो। तो इसी तरह से कुछ बातें जो हैं अगर हम सभी लोग करेंगे तो डेंगू से हम बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक बहुत प्रेशर रहता है म्युनिसिपलिटी पे फॉगिंग का, वो आई थिंक आप लोगों के साथ जिस हमने ऑनरेबल मेयर साहब ने शुरू की थी 23 तारीख को, हमने अगस्त को, वो हमारी चल रही है। लेकिन फॉगिंग का क्या है कि एक लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग होता है, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे फॉगिंग शुरू हो गई है तो अब हमें डेंगू नहीं हो सकता, जबकि फॉगिंग जो है वो एक्सक्लूसिव जो मास्किटो की डेनेस्टी होती है उसको कम करने के लिए किया जाता है। जो हमें डेंगू जो मास्किटो वाइट्स होते हैं हमें, हम पार्क में जाते हैं, सैर करने भी जाते हैं, वो हमें मलेरिया वगैरह से बचा सकते हैं, लेकिन डेंगू के बाइट से बचने के लिए जो हमारे अपने घर की जो सफाई है वो बहुत ज़रूरी है। यस, जब कोई डेंगू का एपिडेमिक हो जाता है उसमें फॉगिंग का रोल है, जब तक डेंगू का एपिडेमिक नहीं है नॉर्मली फॉगिंग का डेंगू के जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, उसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यस, जो स्प्रे है
घरों में जो स्प्रे करते हैं, चाहे हम नीम की स्प्रे करें, चाहे हम मेडिसिन की स्प्रे करें, वो बहुत ज़रूरी है। अपने घरों में स्प्रे हमें जरूर करनी चाहिए। जो हमारे गमले हैं, जो हमारे जो पौधे हैं, टाइम टू टाइम हमें नीम की स्प्रे करनी चाहिए। और जो पानी है वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में उनको एक बार चेंज करें, जब पानी को एक जगह हम इकट्ठा नहीं होने दें। तो ये सारी बातें हैं। कपड़े जैसे सर ने बताया कि पूरे रात को जब सोना हो, अगर हमने आउटडोर सोना हो तो ऑलरेडी हम एक आदत थी पहले कि हम जाली लगा के सोते थे, तो अभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों की जो जालियाँ वगैरह जो स्क्रीन्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह से हों, ताकि हमें जो मच्छर है वो बाइट ना कर सके। जो भी स्प्रे की मेडिसिन वगैरह जो होती है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में गोंडा ऑफ इंडिया से आती है। पूरे इंडिया में एक ही मेडिसिन होती है, वही आती है। अभी आपने कहा कि जो दुकान कोई भी सर कोई भी दुकान अगर है, अगर उसमें कोई अनहाइजेनिक कंडीशन हैं, तो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन लॉस में जो है हमारे पास प्रोविजन हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन हम उनको जो है वो हम उसको चलान कर सकते हैं। लेकिन डेंगू के केस में अगर टायर्स किसी ने दुकानदार ने रखे हों, जैसे अभी रिसेंटली मैं जैसे बहुपुर में एरिया में गया था, वहाँ काफ़ी हमें टायर मिले। जब हमने टायर्स को चेक किया तो उसमें डेंगू का लार्वा काफ़ी ज़्यादा था, तो उसको हमें चालान किया, उसके बाद वहाँ पूरा स्प्रे किया और उसके बाद इंस्ट्रक्शन दी उनको कि अपने जो टायर्स हैं जहाँ तो हम इसको हम उठा के ले जाएंगे, जहाँ इसको आप अच्छी तरह से रैप करके रखो। सर, स्प्रे का क्या प्रोविजन और किस तरह से वो प्रोवाइड होगी जनता? स्प्रे जो है वो एक जैसे फॉगिंग एक प्रोसेस बना हुआ है, फॉगिंग चल रही है, हर दिन हम 3-4 वॉश करते हैं और मैं मोस्टली मीडिया में देता रहता हूँ कौन सा रोस्टर है। लेकिन जो स्प्रे है, स्प्रे की जो टीमें होती हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें जो है वो 40-50 टीमें जो है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी हुई हैं, और वो जो टीमें हैं वो घर घर में जाती हैं, जहाँ भी उनको लगता है कि जहाँ डेंगू का कोई लार्वा है वो लार्वा को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके बाद स्प्रे करते हैं। दूसरा जो स्प्रे का और फॉगिंग का होता है वो वहाँ पर होता है, अगर कोई केस डेंगू का हमें मिल जाता है तो उसमें क्या होता है कि उस डेंगू के घर में जाके वहाँ स्प्रे करना है, प्लस उसके जो सराउंडिंग घर हैं कम से कम 400-500 घर जो हैं जो उस उन घरों में स्प्रे करना होता है, ताकि वो डेंगू का जो एक केस है वो स्प्रेड ना हो। बेसिक जो हमारा मकसद रहता है वो ये रहता है कि जो डेंगू का केस जो है वो बढ़े ना और इसका एपिडेमिक ना हो, तो इसलिए स्प्रे जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉगिंग। अगर हम उस जगह स्प्रे कर देंगे जहाँ पर हमें डेंगू का लार्वा है, जहाँ हमें डेंगू का केस मिलता है, तो वो डेंगू का केस जो है स्प्रेड नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा इस बार कितना, अगर आपको एक दो जगह कोई केस मिला होगा लेकिन वो स्प्रेड नहीं हुआ होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं हुआ है, वो बड़ी मेहनत से हुआ है कि उसके बाद जो है वो पूरी अच्छी तरह से वहाँ पर स्प्रे किया गया और उसके बाद बड़ी फॉगिंग की गई। मेरा कहने का मतलब नहीं, स्प्रे करना चाहते हो, पहले तो मेरे हिसाब से मैं तो सबसे लोगों से ये बोलता हूँ कि अगर हम अपने घरों की सफाई रखेंगे हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने घरों में नीम का स्प्रे भी कर देंगे फ्लावर पॉट्स वगैरह में तो वो बहुत सेफ़ है। उसके बावजूद भी अगर मुझे बड़े लोग बोलते हैं कि मैंने अपने घरों में स्प्रे करते हैं, सिंपल हमें मेल कर सकते हैं, मुझे एक व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे पास टीम होती है, मैं टीम भेज दूंगा उनके घर में स्प्रे करवा दूंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से रहेगी कि स्प्रे से बहुत अच्छा है अगर हम अपने घर को सैनिटाइज करके रखेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, जब फॉगिंग शुरू होती है वो भी उनके साथ रहते हैं, और जब जो हेल्थ की टीम आती है कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि जो लोग जो हैं वो नेचुरली आजकल जिस तरह का माहौल है लोग इतनी आसानी से आपको एंटर नहीं करने देते, जो हेल्थ की टीम्स होती हैं उनके साथ हमारी टीम भी साथ में रहती है और ऑनर काउंसिलर भी उनका पूरा साथ देते हैं, ताकि 75 वार्ड्स में जो सर्वे चल रहा है डेंगू के लार्वा के लिए उसमें हमारे जो ऑनर कॉर्पोरेटर्स हैं वो बिल्कुल साथ मिलकर जो है उनके साथ चलते हैं फॉगिंग के लिए, स्प्रे के लिए और सर्वे के लिए। आज डेट है आपको हम ना इसका पूरा दे देंगे, मीडिया में रोस्टर दे देते हैं। देवी डेमो कम हो चुका है, आधा रह गया, रोज 3-4 वार्ड होते हैं। शुरू किया था हमने वार्ड नंबर 23 को, सर वार्ड नंबर 1 अभी नहीं कवर हुआ है। 34 35 36, देखो अगर आप बोलोगे फॉगिंग हर जगह की जाएगी ईच नुक एंड कॉर्नर में तो पॉसिबल नहीं है। फॉगिंग वही होगी जहाँ गाड़ी जा पाएगी, फॉगिंग हाँ जहाँ पर जरूरत होती है, जहाँ पर हमारे पास में कहते हैं कि सर डॉक्टर साहब, या जहाँ हमें लगता है, या तो लोग हमारे पे विश्वास करें, हमें साइंटिफिक करने दें काम, क्योंकि हम साइंटिफिक काम वही कर सकते हैं जहाँ पर हमें लगेगा यहाँ हमें लार्वा मिलेगा यहाँ हम करना है। लेकिन होता क्या है कि ऐसा होता नहीं है, पूरी साइंटिफिक जो हमारी टीमें होती हैं उनको साइंटिफिकली हम लो नहीं करने देते, तो उन पर पूरा प्रेशर बनाया जाता है कि आप यहाँ भी स्प्रे करो, तो वहाँ पर हमारी स्प्रे की टीमें अलग होती हैं, हम वहाँ स्प्रे की टीमें भेज देते हैं। लेकिन जहाँ गाड़ी जा सकती है वहाँ फॉगिंग जरूर होती है, तो जहाँ भी आप किसी को लगे कि किसी एरिया में किसी की फॉगिंग नहीं है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर हो जाएगी।